लालू के दांव से चित हुई भाजपा, तेजस्वी को फेल करने का प्लान फेल, बीजेपी नहीं भेद पाई लालू का किला। बहुत कोशिश की थी बीजेपी ने बिहार में कि लालू के किले में सेंध लगाएं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और लालू ने सिंगापुर से ही कमाल कर दिया। लालू जानते हैं कि बिहार में बीजेपी उन्हें और उनकी पार्टी को गिराने के लिए किस हद तक जा सकती है, और इसलिए उन्होंने बड़े ही शातिराना ढंग से दांव चला और ये दांव काम कर गया। सब जानते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की राजनीति का अंदाज निराला है और वो गरीबों की भाषा, लोक कथाओं का पुलिंदा और लोगों को एक विश्वास के साथ जोड़ने की अद्भुत कला के शिल्पी हैं। यही वजह भी है कि चाहे शरद यादव हों या रंजन यादव, या फिर बीजेपी के नंद किशोर यादव या फिर नित्यानंद राय, किसी ने भी यादव वोट को ट्रांसफर कराने की क्षमता पैदा नहीं कर पाई। अपने बढ़ते कद की वजह से नित्यानंद राय या नंद किशोर यादव अपना किला केवल सुरक्षित रख पाए, वो भी तब जब आरजेडी से कोई मजबूत यादव उम्मीदवार उनके सामने खड़ा नहीं हुआ। राजद को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार ने भी कोशिश की कि M/2 समीकरण में दरार डाल सकें, मगर ऐसा हो नहीं पाया। सबसे पहले तो शरद यादव के सहारे ये कोशिश नीतीश कुमार ने की थी। वो खुद तो एक हद तक वोट पा लेते थे, लेकिन किसी के हक में यादव वोट ट्रांसफर नहीं करा सके। नीतीश कुमार ने दूसरी कोशिश लालू यादव के सबसे करीबी दोस्त रंजन यादव को यादवों के वोट बैंक में दरार डालने के लिए की, मगर इनका हश्र तो ये हुआ कि वो खुद चुनाव हार गए। जब यादवों का अपना ही वोट वो अपने पक्ष में नहीं कर पाए, तो दूसरों को यादव वोट वो कैसे ट्रांसफर करा सकते थे। बीजेपी ने भी राजद के M/2 को तोड़ने के लिए कई कद्दावर नेताओं को काम पर लगाया, अभी भी लगाया हुआ है, लेकिन बीजेपी हर बार नाकाम रही। सबसे पहले बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव को लगाया। वो 1996 से लगातार 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मगर वो यादव वोट को भाजपा के पक्ष में ट्रांसफर नहीं करा पाए। यादव वोट को अपनी ओर करने के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को भी बिहार का प्रभारी बनाया। उन्होंने नित्यानंद राय को बतौर मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट किया और 2016 से 19 तक के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। बतौर अध्यक्ष पूरे बिहार में घूमे नित्यानंद राय, लेकिन एक यादव का वोट उनके पक्ष में नहीं पड़ पाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 16 यादव उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन सिर्फ पवन यादव को जीत मिली, वो भी तब जब उनके पक्ष में कोई यादव उम्मीदवार था नहीं, बाकी 15 लोग हार गए। बिहार की राजनीति की मौजूदा सच्चाई ये है कि लालू यादव का वोट बैंक पहले रावड़ी यादव और अब तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से सबसे बड़े नेता बनकर उभरे और वो सरकार में भी हैं। बिहार की सियासत में राजनीतिक समीकरण साधने की जब भी चर्चा हुई, लालू यादव का नाम सबसे ऊपर रहा है। ताजा घटना की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और राजद सुप्रीमो के बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया है। दोनों के बीच पहले भी कई बार बयानबाजी हुई, लेकिन इस बार बयानबाजी तीखी है। बिहार की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और इसके लिए महागठबंधन के नेता जिम्मेदार हैं। बिहार में हत्या, दुष्कर्म, डकैती आम बात है। लोग बिहार के वर्तमान शासकों से नाराज हैं, लोग उन्हें अगले चुनाव में जवाब देंगे। नित्यानंद के ये बयान यकीनन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि तैयारी 2024 की है। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन के नेताओं के 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों के भीतर समेटने के आसार बनने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने भी नित्यानंद राय के सवाल का जवाब दिया, आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुगालते में है, 2024 में भी बिहार की जनता आरजेडी को चुनेगी। बिहार में हर वो आदमी जानता है जो आरजेडी को वोट देता है कि लालू यादव के दांव का ही कमाल है कि तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हैं, और लालू यादव के होते हुए उनके बेटे को या उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोई भी कोशिश बीजेपी की कामयाब नहीं होने वाली। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।